क्लास 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। किसी दिन का अलग अलग प्लेसेस का जो नाम दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर जो दिया है जो है वो दिया हुआ है। बीच में जीरो है, ठीक है, और ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, फिर 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है, जो एरो का निशान दिया हुआ है इससे टेम्परेचर शो कर रहा है। तो इसमें चार क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी करके, इन चारों क्वेश्चन का हमको आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। सारे प्लेसेस का टेम्परेचर लिखना है जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे एरो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहा है, यानी कि यहाँ तक का इसका हमको टेम्परेचर पता करना है। तो हम लोग जीरोस के बाद गिनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक तो 5 हो गया, दिख रहा है यहाँ 5 दिया हुआ है। तो 5 के आगे जाएंगे 6, 7, 8, इन सारा निगेटिव में है। तो लाहौल स्पीति का कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो कॉपी में आप लोग को लिखना है ए नंबर लिख के, लाहौल स्पीति इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद हम श्रीनगर का निकालेंगे, तो श्रीनगर का देखते हैं 1, 2। तो 0 का लेफ्ट साइड निगेटिव होगा, 0 का राइट साइड पॉजिटिव होगा, तो ये भी उसी तरह हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का यहाँ पे लिखेंगे, श्रीनगर लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। राहुल स्पीति का भी माइनस में होगा क्योंकि ये भी जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में था। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, शिमला, शिमला ये 0 का राइट हैंड साइड में राइट तरफ है, ठीक है, 0 के राइट है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है शिमला का 5, तो शिमला का हम 5 लिखेंगे। तो लिखेंगे शिमला इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। समझ चुके होंगे कि किस तरह से लिखना है। अब आगे का हम लिखेंगे नहीं, बस आपको हम समझा दे रहे हैं। ऊटी का लिखना है, तो ऊटी का यहाँ 10 है, 11, 12, 13, 14, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया ऊटी का। और बेंगलोर का कितना हो गया, यहाँ तक तो 20 हो गया, ये 21, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया बेंगलोर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सबसे हॉटेस्ट प्लेस क्या होगा और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या होगा। सबसे हॉटेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो हॉटेस्ट हो गया, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वो कोल्डेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ है, तो सबसे कम टेम्परेचर ये वाला है -10 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, इधर है 25 डिग्री। तो हमको निकालना है सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट का, मतलब इधर वाला आपका कोल्डेस्ट हो गया, इधर वाला आपका हॉटेस्ट हो गया, ठीक है ना। इधर आपका कोल्डेस्ट हो गया, इधर आपका हॉटेस्ट हो गया। तो यहाँ पे 20 है, 21, 22, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस था, ये क्या था, ये हॉटेस्ट है। तो हमको डिफरेंस निकालना है किससे, हॉटेस्ट का कोल्डेस्ट से। तो हॉटेस्ट के लिए हम बेंगलोर का कितना डिग्री लेंगे, 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर के लिए हम लोग 22 डिग्री सेल्सियस ले लिए, और डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस का साइन दिए। और इसके बाद कोल्डेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट क्या है, लाहौल स्पीति है। तो सबसे इधर हम लोग देख लेते हैं कि लाहौल स्पीति का कितना है, 8 डिग्री सेल्सियस, 5, 6, 7, 8, 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये माइनस में है, ठीक है ना। तो और एक बार यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बी नंबर भी हो गया। चलिए सी नंबर अब क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, अभी निकाले हैं -8 डिग्री सेल्सियस। तो सी नंबर में लाहौल स्पीति का लिखे -8 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन दिए। और उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है देख लेते हैं, यहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस है, 1, 2, तो हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस क्योंकि 0 का लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 8 बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे, हो गया डिग्री सेल्सियस।
-6 डिग्री सेल्सियस, तो सी नंबर भी हो गया। डी नंबर में देखते हैं, कैन वी से दैट, क्या हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, टेम्परेचर श्रीनगर, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर में श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, एंड शिमला, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये श्रीनगर का टेम्परेचर हो, ये श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया, ये शिमला का टेम्परेचर हो गया। टेकन टुगेदर मतलब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 घटा देंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। टेकन टुगेदर जो भी आया 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर क्या था, ये था, यानी क्या शिमला का टेम्परेचर से ये कम है, यानी 5 से कम है 3, तो यस कम है, लिख देंगे देयरफॉर यस, यस यस लिखने के बाद यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि वी कैन से दैट से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। फिर लिख रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर का भी टेम्परेचर से कम है, तो ये था श्रीनगर का टेम्परेचर, ये श्रीनगर का टेम्परेचर था, ये शिमला का टेम्परेचर था, तो ये जो टेम्परेचर निकला ये श्रीनगर से कम है, नहीं है क्योंकि ये -2 है, ये +3 है, कम तो नहीं है, ज़्यादा है, तो इसमें हम लिखेंगे नो, नीचे वाले के लिए लिख देंगे नो, नो इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डी भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में है इन ए क्वीज, क्वीज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, सही जवाब देने पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा, गलत जवाब देने पे नेगेटिव मार्किंग होगा। इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, जैक का जो स्कोर हुआ 5 सक्सेसिव राउंड्स के लिए वो कुछ इस तरह का था, पहला राउंड के लिए 25, दूसरा के लिए -5, तीसरा के लिए -10, चौथा के लिए 15 और पांचवा के लिए 10, तो इसका टोटल स्कोर कितना हुआ, मतलब कि सबको प्लस कर देना है, टोटल स्कोर निकालना है, सबको प्लस कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, 25 है, लिखेंगे 25 प्लस करना है, फिर है -5, लिखेंगे -5 फिर प्लस करना है, फिर है -10, लिखेंगे -10 फिर से प्लस करना है, फिर है 15 और 10, तो +15 और फिर +10, 25 हो गया प्लस माइनस, -5 हो गया प्लस माइनस, -10 हो गया +15 +10। अब जितना प्लस वाला है पहले उन सबको प्लस कीजिए, हम लोग कैसे पता करेंगे, तो किसी नंबर का पहले देखेंगे प्लस है कि माइनस है, जैसे ये कोई नंबर है इसके पहले कौन चीज़ का साइन है, तो प्लस का साइन है, कोई चीज़ का साइन नहीं रहता मतलब प्लस का ही साइन होता है, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो जो जो प्लस में है इन सबको पहले प्लस करेंगे, 25 और 10 35 और 15 50 हो गया, और माइनस वाला भी दोनों प्लस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 10 और 5 15 हो गया, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हुआ लेकिन बड़ा वाला साइन देख के हम लगाते हैं, 10 के पहले माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, और 10 और 5 15 हो गया, इन दोनों को घटा दे आ जाएगा 35, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाएंगे, देखते हैं क्या है, लिखा हुआ एट श्रीनगर, श्रीनगर पर टेम्परेचर वाज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, मंडे को कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको लिखते जाते हैं, मंडे को कितना टेम्परेचर है, ट्यूजडे को कितना टेम्परेचर है, इसको हम पहले लिखते जा रहे हैं। 3 नंबर है मंडे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस था तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो घट जाता है, यानी कि ट्यूजडे का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे, हम डायरेक्ट ट्यूजडे लिख रहे हैं, 2 डिग्री घट जाता है, तो घटने के लिए हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं,
तो ये कितना हो गया -7 डिग्री सेल्सियस, 80 छूट गया था। तो ये हो गया ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है, ये ट्यूसडे का टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर निकाल लिए। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, अब जो रोज होगा उसको हम प्लस कर देंगे। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे आपको पूरा लिखना है, हम शॉर्ट में सिर्फ लिख रहे हैं वेडनेसडे, और 4 डिग्री सेल्सियस हम इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि रोज हो रहा है, रोज के लिए प्लस और ये ड्रॉप्ड के लिए माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 में 4 गया तो 3 हो गया, दोनों में से बड़ा देख लेते हैं 7 है, 7 के पहले माइनस का साइन है, तो ये मेरा वेडनेसडे का टेम्परेचर निकल गया। तो उसके बाद लिखा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, हो गया वही वेडनेसडे का ही टेम्परेचर निकालना था, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन 4 का बनाते हैं। 4 में ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एक सी लेवल है, 4 नंबर बना रहे हैं, मान के चलिए ये एक सी लेवल है, यहाँ पे पानी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कि ए प्लेन इज फ्लाइंग, यहाँ पे एक प्लेन है जो कि उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है जो कि उड़ रहा है एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल का अबव मतलब ऊपर, 5000 मीटर ऊपर यहाँ पे उड़ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे, तो ये हो गया 5000 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमराइन फ्लोटिंग, नीचे में एक सबमराइन है जो कि तैर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक सबमराइन है जो कि नीचे की ओर तैर रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1200 मीटर, 1200 मीटर, ठीक है। तो लिखा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जब एबव रहता है तो इसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं, और अगर बिलो रहता है तो इसके लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस अगर निकालना रहेगा तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 5000 माइनस, फिर से माइनस 1200 और मीटर हो गया, ये हो गया 5000 माइनस माइनस प्लस 1200 मीटर, इन दोनों को प्लस कर लें, 0025166200 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब 5 को बनाते हैं। 5 में मोहन डिपॉजिट रुपीज 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, मोहन जो है अपने बैंक अकाउंट में 2000 जमा कर रहा है, ठीक है। तो जो भी जमा करता है, हम लोग बैंक में अगर जमा करते हैं तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, और अगर विथड्रॉल होगा तो उसके लिए नेगेटिव साइन लेंगे। तो जमा कितना किया, 5 नंबर, जमा कितना किया 2000, 2000 रुपये जमा किया तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और निकाला कितना 1642, ये निकाल लिया तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे। आपको लैंग्वेज यहाँ बना के लिखना है, इस तरह से आप लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट ऑन मंडे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मोहन डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिट बाय मोहन ऑन मंडे इज इक्वल टू ₹2000, फिर अमाउंट विथड्रॉल बाय मोहन ऑन नेक्स्ट डे इज इक्वल टू 1642। इसके बाद लिखा है इफ विथड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव, जो कि हम बोले कि विथड्रॉल जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट होगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो अभी हम बताएं कि डिपॉजिट के लिए पॉजिटिव हम लोग लेंगे, जो भी रिप्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट होगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आई विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाई पॉजिटिव। लिख रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल, मतलब कि विथड्रॉल करने के बाद मोहन्स के अकाउंट में कितना अमाउंट जो है वो बच जाता है, तो कितना अमाउंट बचेगा इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ से द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विथड्रॉल इज इक्वल टू
2000 देखेंगे, 2000 माइनस 1642, ठीक है, तो इन दोनों को घटा देते हैं, 10 में 8 गया तो हो गया 2, 9 में 4 गया हो गया 5, 9 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी 352, ठीक है, 5 का व्यू बन गया। सिक्स नंबर, सिक्स में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन है कि रीता गोज, रीता कहीं पे खड़ी है, हम यहाँ पे इसका फिर से हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। छः नंबर, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे होता है, मान के चलिए यहाँ पे रीता खड़ी है, ठीक है, तो इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होगा, इधर का साइड आपका हो जाएगा ईस्ट, ऐसे वाला साइन, मतलब इधर ईस्ट, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ, ठीक है, ध्यान रखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में रीता गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, रीता इधर खड़ी है और 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है, तो ईस्ट इधर है ना, तो इधर की ओर गई 20 किलोमीटर, टू ए पॉइंट ए टू बी, ये यहाँ इस पॉइंट को हम ए ले सकते हैं, ये ए से बी की ओर गई यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद है फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड, इसी रोड में जैसे ये एक रोड था, ठीक है ना, इसी रोड में पहले यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर गई और फिर इधर से वापस ये 30 किलोमीटर वापस आ गई, मतलब इधर ही ये 30 किलोमीटर आ गई, ठीक है ना, ये 30 किलोमीटर इधर ही वापस आ गई, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर इधर से हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे हैं ईस्ट, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट के लिए हम लोग कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, कौन सा मतलब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम लोग वेस्ट के लिए निगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे कि आई विल रिप्रेजेंट या फिर वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट इज निगेटिव। फिर है बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, अब ए का जो फाइनल पोजिशन होगा उसके लिए कौन सा इंटीजर जो है वो रिप्रेजेंट होगा, तो इसके लिए हम इन दोनों को घटा देते हैं, 20 माइनस 30, इन दोनों घटाएंगे तो -10 होगा, ये देख रहे हैं कि ये माइनस में आ जाएगा कि नहीं, यानी कि क्या हो गया निगेटिव, यानी कि निगेटिव रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। सिक्स तक हो गया, अब सेवन का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में दो मैजिक स्क्वायर दिया हुआ, ये पहला ये दूसरा, तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, इसमें इधर का सारा, इधर का सारा और इधर का सारा सबको प्लस करना है, फिर ऐसे 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 सबको प्लस करना है, फिर डायगोनली प्लस कर लेना है, अगर सबका आंसर सेम आया तब तो ये मैजिक स्क्वायर है, और अगर सबका सेम नहीं आया तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो दोनों इसमें दो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जब हम समझा रहे थे तो काफ़ी काट छाट हो गया था, इस वजह से दोनों को हम काट के फ्रेश से यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम इन दोनों में से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी का एक क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे, आपको बस तरीका बता दे रहे हैं। जैसे सेवन नंबर का हम अगर फर्स्ट अगर हम बना रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस -1 प्लस -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस -1 प्लस 1 फिर से +-4, इन इन सबको घटाते हैं, 5 में गया 4, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। अगर अब हम सबको इसी तरह से जोड़ेंगे और सबका वैल्यू 0 आया सबका, ठीक है, अब हम ऐसे भी प्लस करेंगे, -5 डाइट करते हैं +-2 फिर +7, इसको भी अगर हम घटा रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, फिर इसको करेंगे 0 प्लस 3 -3, इसको घटाएंगे 0 आएगा, ये तो हॉरिजेंटली हो गया, अब वर्टिकली इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे, +-5 प्लस 0, इसको इसको घटा दिए, 5 में 5 गया तो 0 हो गया, फिर अभी इसी तरह इसको घटाएंगे सॉरी जोड़ेंगे -1 -2 प्लस 3, इसको जोड़ें तो इसको भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया -4, अब इसको कर रहे हैं -4 प्लस 7 -3, इसका भी 0 आएगा, ठीक है। अब डायगोनली देखते हैं ये तीनों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -2 -3, अब देखते हैं इसका 0 आ रहा है कि नहीं, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 0,
पाँच में दो घटाएं तो तीन, और तीन में तीन घटाएंगे तो जीरो हो गया, यानी कि इसका भी जीरो आया। अब एक लास्ट बच गया मेरा ये, यानी कि -4 -4 -2 और +0। ये माइनस माइनस यहाँ देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 6 -6 हो गया। अब देखिए सारे में तो जीरो आया, यहाँ पे जीरो नहीं आया, यानी कि ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट ए मैजिकल स्क्वायर। बस यही वाला काम इसी में, इसमें भी करना है, सबको इसी तरह से प्लस करके देखना है। अगर सब में सेम आ जाएगा तब तो ये मैजिकल स्क्वायर होगा, नहीं आया नहीं होगा। ठीक है, 7 का सेकंड नंबर आपका होमवर्क है, इसको आपको बनाना है। अब 8 नंबर, 8 नंबर में वेरीफाई करना है, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में हम 1 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब फिर आपका 2 3 4 आपके लिए है। ठीक है, आपको बनाना है तो सारा क्वेश्चन एक जैसा बनता है, तो इसीलिए हम 1 क्वेश्चन को बना देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, 8 नंबर का फर्स्ट है, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 21 और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 18, और हमको वेरीफाई करके दिखाना है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच एस वाला टर्म लेंगे, एल एच एस में क्या है, ए माइनस माइनस बी, ए का वैल्यू है 21 माइनस बी का वैल्यू है -18, 18 है। ठीक है ना, तो ये हो गया 21 माइनस माइनस प्लस 18, इन दोनों को जोड़ लें, 8 1 9 2 1 3 39 हो गया। अब आर एच एस वाला टर्म लेंगे, आर एच एस में लिखा हुआ है ए प्लस बी, इधर वाला टर्म में ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 21 बी का वैल्यू है 18, इन दोनों को जोड़ते हैं 39, देखिए दोनों सेम सेम आ गया। यहाँ पे देयर फोर लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और वेरीफाइड, वेरीफाई करने के लिए बोला था तो हम लोग वेरीफाइड लिख देंगे, बस यही हो गया। ठीक है, तो 8 का पूरा आपका बन जाएगा। अब 9 में आपको बड़ा छोटा करना है, ठीक है, किधर बड़ा होगा किधर छोटा होगा, तो फिर से उसी तरह हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी आपके लिए रहेगा। 9 का ए नंबर हम बना दे रहे हैं, बस आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको किस तरह से बनाना है। 9 का ए नंबर में क्या है, -8 + -4 यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है ना, और ये इस तरह से हो गया, किधर का साइन आएगा, किधर बड़ा होगा किधर छोटा होगा, तो ये हो गया -8 + -4, कैलकुलेशन कर ले पहले, हो गया -8 - -+4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 12, 8 बड़ा आया माइनस का साइन हो गया, इस तरफ से माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 गया तो 4, 8 बड़ा आया माइनस का साइन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों साइड माइनस रहे तो छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला छोटा रहेगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इधर की ओर साइन हो गया, तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। एक लास्ट अब क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। एक मंकी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है और नीचे की ओर पानी है, कुआं रहता है, कुआं कुआं में सीढ़ी बना हुआ है, उसके इसके नीचे 9वां सीढ़ी पे जो है पानी है, ये पहला सीढ़ी, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, 4 5 6 7 8 9, देख लेते हैं, गिन लेते हैं कि 9 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया पूरा। तो मंकी अभी फिलहाल कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट सीढ़ी पे है, तो फर्स्ट सीढ़ी पे है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, तो पहला सीढ़ी पे है तो इसलिए 1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 नंबर में ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, डाउन जब लेंगे तो प्लस लेंगे, याद ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला वाले क्वेश्चन के लिए डाउन के लिए हम लोग प्लस लेंगे, यानी 3 स्टेप्स डाउन जा रहा है, यानी कि 3 प्लस करेंगे, इस तरह से 3 प्लस कर लिए, तो फर्स्ट स्टेप के लिए 3 प्लस किए तो इन दोनों को जोड़े तो 4 हो गया। देन जंप्स बैक 2 स्टेप, इसके बाद जो है 2 स्टेप वो पीछे की ओर आ जा रहा है। ठीक है, पहले 3 स्टेप आगे की ओर जाएगा, फिर 2 स्टेप पीछे की ओर जाएगा, तो जब आगे की ओर जाएगा तो
तो उसके लिए प्लस लेंगे, और जब पीछे की ओर जाएगा तो उसके लिए माइनस का साइन लेंगे। तो ये यहाँ पे 4 हो गया फिर, और अब माइनस का साइन लेंगे, तो 4 में 2 हो गया तो 2 हो गया, ठीक है। अब फिर से ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस 3 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2 तब तक करना है जब तक कि मेरा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 9 ना आ जाए। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर से हम प्लस 3 करेंगे, 2 और 3 5 हो गया, लिख लेते हैं फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। ये क्या स्टेप है, कितना मतलब कितना बार वो जंप कर रहा है। आगे लिख लेते हैं 8, देख लेते हैं कब तक 9 आता है। फिर ये 5 यहाँ पर लिखे, 2 घटाएंगे, अब 5 में 2 गया 3। फिर ये 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, 3 3 6, फिर 6 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस 2 घटाएंगे 4, फिर 4 यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस 3 जोड़ेंगे 7, फिर 7 यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस 2 करेंगे 5 हो गया। 8 स्टेप तक लिख चुके हैं, 9th, 10th, 11th, फिर 5 यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे तो ये 5 3 8 हो गया, ठीक है। फिर 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस 2 लिखेंगे 6, फिर 6 प्लस 3 9, हमको लाना 9 था, देख रहे हैं 9 लाना था, 9 आ चुका है। यानी कि ये कितना बार जो मंकी है वो जंप किया, 11th बार, 11 बार जब वो जंप किया तब जाके वो पानी पीने के लिए अपना वाटर लेवल पे आया है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो मेरा आंसर होगा वो 11th स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बन गया। अब 2 के लिए, 2 में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। पानी पी चुका है, नवा सीढ़ी पे है, तो नवा सीढ़ी पे यहाँ 9 लिखे। अब जब वो पानी पी के वापस आ रहा है अपने जगह पे, तो ही जंप्स 4 स्टेप्स अप, वो 4 सीढ़ी जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो फिर से अब ऊपर की ओर जा रहा है तो इसके लिए माइनस 4 करेंगे, 5 हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट जंप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे देखते हैं, आगे अगर आएगा तो फिर लिखेंगे, फिर 5 यहाँ पे लिखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, 4 माइनस 2 प्लस, 4 माइनस 2 प्लस ऐसे करते जाएंगे। अब 2 यहाँ प्लस करेंगे, 5 2 7, फिर 4 घटाएंगे। अब हमको लाना 1 है, क्योंकि पहला सीढ़ी के पास हमको पहुंचना है, इधर हमको इक्वल टू के इधर 1 लाना है, 3 हो गया, फिर 3 प्लस 2 5 हो गया, फिर 5 माइनस 4 1 आ चुका है। तो फिफ्थ जंप में वो जो है फर्स्ट सीढ़ी पे आ गया, यानी कि सेकेंड का आंसर जो होगा वो फिफ्थ जंप होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब थर्ड में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 का 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो 3 का ए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे माइनस 3 प्लस 2 ऐसे करके दिया है, इक्वल टू 8, और आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे। तो 11 बार तक आपको इसे, या 1 हो गया 2 हो गया, 11 बार तक आपको लिखना है, फिर से माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 आपको लिखते जाना है 11 बार तक। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, इन सब को अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, सॉरी माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। बस यही हमको भरना था, यहाँ बीच में इसको भरना था, बस यही करना था ए नंबर में। और इसका बी नंबर में भी उसी तरह से है, 4 माइनस 2 फिर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, 5 बार तक आपको प्लस 4 माइनस 2 करके लिख देना है, बस यही काम करना था। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है।